द जोश। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज डॉट इन। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं फिर से हाजिर हूं लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में। पीओके पर हमले के बाद पटना गर्ल्स कितना ज्यादा एक्साइटेड है, हम उनसे बात करेंगे आज और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज द जोश। बहुत ज्यादा, बहुत खुशी है। कल जब ये न्यूज मिला तो बहुत ज्यादा। माय ब्रो इज आल्सो दैट आई लव यू ब्रो। मोदी 2019 मोदी के नाम है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखने वाला। नमो नमो। जोश मतलब पाकिस्तान का तो दम ले लेना है। बढ़िया, बर्थडे से ज्यादा खुशी हुई है कल उस दिन, कल के सुबह को तो सच में वो बहुत ज्यादा खुशी का दिन था और पूरे देश भर में एकदम सेलिब्रेशन था, फेस्टिवल टाइप का। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी लोग तो अपना पॉलिटिक्स चलाते रह रहे थे। अभी वैसे सब सही है लेकिन मोदी जो किए वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ज्यादा जिन लोगों को लगता है कि एयरफोर्स या ये सब चीजें सिर्फ मेल डोमिनेटिंग है, तो ऐसा नहीं है। हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं और इवन हर किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। बस इंडियन आर्मी को यही कहेंगे कि एकदम जिस तरह से वो लोग अपना सारा मोटिव रखे वो बिल्कुल वैसे ही रहे, एकदम अपना ध्यान रखे और एकदम पाकिस्तान को ऐसा रखे ना कि उन लोग दोबारा औकात ना हो कि हम लोग कितना आग उठा के देख सके। बी प्राउड ऑफ देम एंड वी लव आवर फादर ऑल्सो बिकॉज आवर फादर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। माई फादर इज ऑल्सो एन आर्मी मैन, आई एम प्राउड ऑफ हिम। बहुत ज्यादा, बहुत खुशी है, कल जब ये न्यूज मिला तो बहुत ज्यादा। माय ब्रो इज आल्सो दैट आई लव यू ब्रो। वी लव इंडियंस, वी ऑल आर लव इंडियंस। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत खुशी मिली है इंडियंस को और हम लोग पीएम मोदी को बहुत सपोर्ट करते हैं, सब उन्हीं की वजह से। और हम लोग को लगता है इस बार भी वही पीएम मोदी बनेंगे। पीएम बता नहीं सकते, बहुत खुश रहा, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उतना खुशी हो रहा है और बहुत 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 अच्छा हुआ है। क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है? यस बिल्कुल, उन्हीं के वजह से मुमकिन है और हम लोग चाहते हैं कि अगले बार भी वो पीएम वही बने। हाँ हम बहुत खुश है, बहुत अच्छा बदला लिया गया, उन लोगों को भी पता चला कि इंडिया भी कुछ कर सकता है। बहुत ज़्यादा एक्चुअली वी आर वेरी प्राउड एंड मतलब बोलते हैं ना कि 13वीं के बाद मतलब रिवेंज ले ली गया ले लिया गया विद इन 13 डेज, तो दैट वॉज वेरी नाइस। एंड ये भी है क्या कि एज अ स्टूडेंट ऑफ PWC वुमेन्स कॉलेज, तो उसमें से एक पायलट गर्ल भी थी, तो दैट इज़ क्वाइट लाइक वाओ, तो इट वॉज वेरी नाइस। ऑब्वियसली यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन, सो या इट्स नाइस, ग्रेट, ऑसम। ऑब्वियसली इट वॉज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया। मतलब हमेशा से पाक को ये लगा होगा कि इंडिया मतलब चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन इंडिया ने कड़ा जवाब दिया, तो इसके लिए बहुत खुश है। हाँ ऑब्वियसली। क्या कहेंगी इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड जैसे कि हमारे ब्रेव शोल्डर्स को मारा है, तो हम भी ये मतलब चाह रहे थे कि हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि हम इंडिया ऑब्वियसली कमज़ोर कंट्री नहीं है, ये बहुत ताकतवर कंट्रीज़ में से एक आता है, तो ज़रूरी था पाकिस्तान को बताना कि हमारे पास भी पावर है और हम भी बदला ले सकते हैं। सो यही देखिए, अगर कोई शहीद होता है तो उसे पैसे दे देना या फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब उनके खून का बदला लिया गया तो ऑब्वियसली उनके फैमिली मेम्बर्स को तो बहुत खुशी मिली होगी। यही एक सही रिवेंज है, ऑब्वियसली जाना चाहिए क्योंकि गर्ल एम्पावरमेंट, तो हमारा कॉलेज तो यही सिखाता है कि लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, भारत जिंदाबाद। चलिए ग्रेट काफी है। क्या कहेंगी पीओके में हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से इंडिया को प्राउड फील करवाया है और इस रिवेंज के बाद हम सब बहुत खुश हैं। बहुत बहुत गर्व की बात है, हमारे साथ जो भी हुआ था हम सब बहुत अपसेट थे और इंडिया में जो भी हुआ सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन इस रिवेंज के बाद शायद वो दुख खुशी से रिप्लेस हो गया है। बहुत अच्छे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने हम बदला ले लिए अच्छा से और जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत कितना गर्व महसूस कर रही? बहुत, अपने आप में बहुत गर्व, पूरा देश गर्व महसूस कर रहे इस बात से। और मोदी जी का तो खैर प्लान ही था, उनका तो बात ही अलग है। बस आज से 13 दिन पहले 44 माओं ने अपने बेटे खो दिए थे जी, कल उसका बदला लिया गया, क्या कहेंगी? आप भी एक माँ हैं जी, बहुत खुश है। दर्द को तो दूर नहीं कर सकते हैं, सही बात है,
जख्म को मरहम लगा है। लेकिन मोदी जी ऐसे काम किए कि कल उन लोग का 13वां था और मोदी जी ने अच्छा से बदला एकदम ले लिए सबका। आज वो पाकिस्तान को भी लग रहा हो कि जो भारत से टकराने से क्या होती है। गर्व की बहुत बहुत गर्व है, बहुत गर्व इस बात से। हम लोग को बहुत खुश है और पूरा देश खुश है इस बात से। और जिनके साथ हुई है ये कांड उनकी वो माँ सब बहुत खुश है, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं अपने एयरफोर्स पे भी प्लस अपने गवर्नमेंट पे भी जो इतना स्ट्रांग स्टेप लिया है। ज़रूरत तो काफ़ी समय से था पर अभी देखा जाए तो जो भी मेजर 3 स्टेप लिया है, या म्यांमार वाला जो एक हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, और ये फिर सारे के सारे मोदी सरकार का इतना स्ट्रांग जो है पक्का दोबारा फिर आ भी रहा है और इतना अच्छा स्टेप्स ले रहा है कि आर्मी को भी एक फील हो रहा होगा कि हाँ हमारे पीछे कोई है जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और इतना अच्छा छोड़ रहा, मतलब खुला छूट दे रहा है इन सब के लिए। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है मेरे लिए भी और सारे अदर मतलब जितनी भी वुमेन्स हैं सबके लिए और लड़कियों के लिए भी। एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा ये एक एग्जांपल दिखा है हम लोग को जो कि मोदी सरकार ने किया है। ऑफ कोर्स देश की सेवा करने का मौका मिलता है इस तरह से, क्या आगे आएंगी? ज़रूर ज़रूर अगर मौका मिले तो बहुत, मेरा बहुत मतलब शुरू से ही मेरा एक होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद आना इस ये एक क्या बोलते हैं आर्मी का ये पूरा बहुत पसंद है और कभी भी इस चीज़ के लिए ज़रूर रेडी रहेंगे। बहुत ज़्यादा जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज एन इंडियन, बहुत ही ज़्यादा जो एक हो रहा है ना मीम्स पेजेस के कि बर्थडे से ज़्यादा खुशी हुई है कल उस दिन, कल के सुबह को, तो सच में वो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था और पूरे देश भर में एकदम सेलिब्रेशन था फेस्टिवल टाइप का। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल वही है तो मुमकिन है। एक स्ट्रांग लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे स्टेप्स के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को अपना मतलब आतंकवादी को अपना जगह दिखाया कि वो इंडिया को कम नहीं समझे। कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बहुत प्राउड मोमेंट है, लाइक इट वाज नीडेड। सो ये जो 12 मिराज फाइटर प्लेन्स थे उनमें उड़ाने वालों में एक महिला भी थी। यस, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली की लाइक वुमेन पावर, लाइक इंडिया इज अ लैंड ऑफ गॉडेसेस, सो दुर्गा यू कैन से। क्या कहेंगी, वो भी एक महिला, आप एक महिला है, क्या अगर आपको मौका मिलता है देश की सेवा करने का तो आप लोग आगे आएंगे? ऑब्वियसली इसमें दो राय तो कोई है ही नहीं, ऑब्वियसली जाएंगे आगे। दे हैव डिड अ ग्रेट जॉब। कितना प्राउड मोमेंट है? बहुत बहुत सीरियसली बहुत मजा आ गया। उसमें एक महिला भी थी उस एयरप्लेन में, कितना आपके लिए चुकी है? बहुत बोल सुन के तो और अच्छा लग रहा था कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहेंगे आप? जय हिंद की सेना। और बहुत प्राउड फील होता है जब अपना देश इतना करारा जवाब देता है किसी भी आतंकी हमले को। और ऑब्वियसली उसमें पहली बार कोई फाइटर जेट में बैठी थी वुमेन, तो वो और भी प्राउड फील कराता है हम लोग। इंडियन एयरफोर्स ऐसा ही करना, हमेशा ऐसे करते रहना और पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया। जैसा कि पाकिस्तान के लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, वो लोग फेक स्माइल दिखा रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो वो तो वही जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है कैसा हुआ है। और उन्हें एक जवाब मिला और ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे अगर वो इंडिया के आर्मी पे हमला करने का सोचे या इंडिया को हार्म पहुँचाने का कोशिश करे। तो छोटी छोटी वो लोग फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, वो लोग फुलझड़ी तो दिखाने को जला रहे हैं, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या जले और क्या नहीं। उस फाइटर प्लेन में एक महिला भी थी, कितना प्राउड मोमेंट है क्योंकि आप एक महिला हैं? बहुत प्राउड मोमेंट है, मैं चाहती हूँ कि हर औरत ऐसे ही बढ़े। मुझे बहुत गर्व होता है कि पूरे पटना वुमेन्स कॉलेज में एक मैं अकेली लड़की हूँ जो बाइक चला के आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ ऐसे ही बोल्ड बने, वो किसी से कम ना समझे। मैं चाहती हूँ, हमेशा देखती हूँ कि लड़के मुझे अगर मैं आगे ओवरटेक कर लूँ तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को बराबर बोलते हैं कि इक्वालिटी मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ आगे बढ़ के बोले कि हम कम नहीं हैं, हमें इक्वालिटी क्यों, हम लोग इक्वल हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए नहीं, वी आर इक्वल। पीओके पे हमले के बाद क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी लोग तो अपना पॉलिटिक्स चलाते रह रहे थे। अभी वैसे सब सही है लेकिन मोदी जो किए वो मुझे बहुत पसंद आया। इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले भी था, बट अभी पॉलिटिकल मूव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मोदी जी ने दिया जिसके बाद ये संभव हो पाया तो बहुत अच्छा लगा। फाइटर प्लेन में एक महिला भी थी, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बहुत। क्या लगता है कि मोदी है तो सब मुमकिन? बिल्कुल, अभी तो यही लग रहा है, बहुत पावरफुल। प्राउड टू बी एन इंडियन फील हो रहा है कि हम इंडियन हैं, हमारे लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है। ऐसा कुछ उन्होंने किया है जिससे लगता है कि हाँ कह सकते हैं कि हाँ हम इंडियन हैं गर्व से। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को लगता है कि एयरफोर्स या ये सब चीज़ें सिर्फ मेल डोमिनेटिंग है, तो ऐसा नहीं है।
हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं और इवन हर किसी से कंपटीशन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट, इवन कि जो सोल्जर्स जिनके लिए था, और सबसे बड़ी बात है कि हमने रिवेंज लिया है, तो वो चीज़ सबसे ऊपर है। अगर आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा तो करेंगे? बिल्कुल हाँ, बस वो जाके गन चलाना भले ही ना आए, जो मेरा पोटेंशियल है मैं उसे पूरा करूँगी। बिल्कुल लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कांग्रेस के किसी लीडर में मुझे नहीं लगता कि इतनी पावर थी कि वो इतना स्ट्रांग डिसीजन ले सकते थे। हाय सर, बस इंडियन आर्मी को यही कहेंगे कि एकदम जिस तरह से वो लोग अपना सारा मोटिव रखे वो बिल्कुल वैसे ही रहे, एकदम अपना ध्यान रखे और एकदम पाकिस्तान को ऐसा रखे ना कि उन लोगों का दोबारा औकात ना हो कि हम लोग किताब आग उठा के देख सके। ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक महिला, बात यहाँ लड़का या लड़की है, महिला पुरुष का नहीं है, बात देश का है और देश है सोल्जर है, हर सोल्जर के लिए मैं सल्यूट है, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मोदी 2019 मोदी के नाम है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखने वाला। नमो नमो, जोश मतलब पाकिस्तान का तो एकदम ले लेना है। बढ़िया सर, हाय सर, जोश, हाय सर, जोश, हाय सर। Like a great work is being done by them. After 1971, it's being the first time that we attacked Pakistan, and it's really great that we did, cause 44 army militants martyred. So it was a good move. Yes, Modi hai to mumkin hai, and again our Indian Air Force. Obviously, it is a proud moment, and this is how women empowerment is being done. So this is a good thing that there is a woman there. It was a good move, calculated but good move. Like hats off to the jawans who did it. Very brave. क्या लगता है अगर आपको सेवा करने का मौका मिलेगा तो? हाँ, obviously अगर मिला तो क्यों नहीं, अपनी कंट्री है। तो हम आज पटना की लड़कियों के बीच में गए और उनसे जानने की कोशिश की कि POK पर हमले के बाद पूरा देश जो जोश में है वो कितना जोश में है। उनसे बात करके लगा कि पटना की गर्ल्स भी पूरे जोश में है। जब उनसे पूछा गया हाउ इज द जोश, तो उन्होंने भी उसी तरह से जवाब दिया हाय सर। तो अगर ये हमारा पब्लिक ओपिनियन जो कि जोश से भरा हुआ था, अगर आपको पसंद आया हो तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप लाइव सिटीज डॉटिंग के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।